शॉपिंग जा रही हूँ, तुम अपने ऑफिस चले जाना। पैसे कहाँ से आए? पैसे हैं मेरे पास। वही तो जानना चाहता हूँ, जब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूँ तो ये शॉपिंग के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के ना अपना गुजारा करती हूँ, जा रही हूँ मैं। अंधेरी चलोगे? हाँ मैं। यहीं रोक देना, मेरा घर आ गया। कितना हुआ? 150 रुपया हुआ मैम। छुट्टे तो है नहीं? आप ये बैग मेरे अंदर तक रखवा सकते हो? एक्चुअली चेंज भी नहीं है तो मैं आपको पैसे भी अंदर दे दूंगी। ठीक है। चलिए।
ये लो तुम्हारे पैसे। मैम छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, पूरे रख लो। अच्छा तुम इसी एरिया में ऑटो चलाते हो? जी मैम। कल शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है 11 बजे, तो तुम आ सकते हो? हाँ मैम आ जाऊंगा मैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोहन। अच्छा तो या तो तुम फिर मेरा नंबर ले लो या अपना नंबर दे दो, तो फिर कल आके मुझे कॉल कर लेना। ठीक है आप लिख लीजिए। 9773489084। ठीक है मैं तुम्हें अपने नंबर से कॉल कर रही हूँ, सेव कर लेना और कल गेट पर आकर मुझे कॉल कर लेना सुबह 11 बजे के पास। ठीक है मैम मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। बाय मैम। पूरे मैडम अपने पैसे पूरे हैं ना? पूरे मैडम। वैसे आज आपने मुझे कार से बहुत तेज टक्कर मारी। हेलो कहाँ हो तुम? ठीक है गेट पर आ जाओ और ध्यान रखो तुम्हें मुझे ऐसे टक्कर मारनी है कि एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए मुझे, वरना तुम समझना। हाँ हाँ गलती से लगी मैडम। चलिए कोई बात मैडम मेरे को माफ करो, मैं आगे से पैसे नहीं देता, मेरा आजकल काम तो हम बिल्कुल नहीं है। जेल जाने से बचना है ना, चुपचाप हर महीने ऐसे ही पैसे लाते रहिए, वरना आपको पता है मैं क्या क्या कर सकती हूँ, समझे? चलो निकलो यहाँ से। आज तो आप जल्दी आ गए। वॉचमैन से पूछा था मैंने, उसने कहा था कोई बच्चे तुम्हारे पास पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। अच्छा तो अब तुम मेरी जासूसी वॉचमैन से भी कराने लगे? जासूसी नहीं, मुझे जानना है कि वो पैसे कहाँ से आते हैं। तुम्हारे पापा ने तो मना कर दिया है कि जब तक जिएंगे एक पैसा नहीं देंगे, तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जब तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो रहने दो ना फिर। मैं बच्चों को जाके ट्यूशन पढ़ाती थी, अब नहीं पढ़ाऊंगी, घर पे पढ़ा लूंगी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं तो छोड़ो यार, मुझे बात ही नहीं करनी। बात ही खत्म करो, मैं जा रही हूँ सोने। जाओ। हेलो कौन? हाँ मैडम मैं रोहन बोल रहा हूँ, ऑटो ड्राइवर। ऑटो वाला रोहन? जी मैं आ गया हूँ, बाहर खड़ा हूँ। हाँ मुझे तैयार होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है मैं बाहर खड़ा हूँ, आप आ जाइए ना। बाहर क्यों खड़े हो आप, अंदर आ जाओ ना। ठीक है मैं आता हूँ। तुम यहाँ 5 मिनट वेट करो, मैं तुरंत चेंज करके आती हूँ। ठीक है? ठीक है। Thank you.
तुम्हारा ऑटो तो बड़ा सजा हुआ है। जी मैडम, खुद का लिया हूँ लोन पे। अच्छा, कितने की इंस्टॉलमेंट जाती है ये? कहीं 12,000 तक जाता है। इतना कमा लेते हो? हाँ जी, कमा लेता हूँ। इंस्टॉलमेंट भर के 20-25,000 बचा लेता हूँ मैं। सही है, बस बस यहीं रोक दो। ओके मैडम। कितने हुए? 150 हुआ मैम। शिट, मैं तो पैसे लाने ही भूल गई। आप एक काम करोगे, मुझे बस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप रुक जाओ थोड़ी देर, मैं जाके फिर आप वापस साथ भी चल लेना, मैं आपके पैसे भी दे दूंगी। ठीक है। अभी आपके पास 500 रुपए होंगे क्या? मैं वो भी आपको भी वापस कर दूंगी। हाँ मैडम, है ना। थैंक यू। आप यहीं रुकना, मैं बस तुरंत आती। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बहन है। बहन क्या करती है? बहन पढ़ाई करती है। और माँ? माँ घर का काम करती है। तुम रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। हाँ जी, आपका? जी मैं वो रोहन ऑटो ड्राइवर। तो यहाँ क्या कर रहे हो मैडम? अरे आ आज जल्दी कैसे है? ये लो तुम्हारे पैसे, ये 500 और ये 300। इसको ऊपर लाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने इनसे लिए, इसलिए अपने पैसे लेने ऊपर आ गया, बस इतनी सी बात है। और तुम तो जानती हो ये मेरा फेवरेट क्लास है, इसमें इसको पानी देने की कैसे जरूरत हुई? इसे प्यास लगी थी और एक गिलास सामने रखा था, तो बस जो सामने दिखा मैंने उठा के दे दिया, इसमें कोई ऐसे सोचा नहीं मैंने। देखो, तुम साहब की बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ा गरम दिमाग के हैं। और तुम कल 11 बजे आ जाना, मुझे कहीं जाना है, काम है। ठीक है?
आओ आओ ना बैठो। मैं म्यूजिक लगाती हूँ। चल क्यों नहीं रहा? खराब हो गया। लाओ मैं ठीक करता हूँ। तुम देखो मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक। वाओ चल गए। तुमको डांस आता है? हाँ थोड़ा बहुत आता है। फिर देखते हैं कितना आता है। रोहन तेरे तो लॉटरी लग गई बेटा। दुनिया की इतनी खूबसूरत मैडम तेरे पीछे फिदा है। ऐसे तो मैं फिल्मों में देखा था पर असली जिंदगी में मिली है। अरे वाह मैडम का नाम लिया और फोन आ गई, क्या बात है। हेलो रोहन। हेलो। हाँ मैडम कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुमसे एक काम था। बोलिए ना। ओ एक्चुअली मुझे 20,000 रुपयों की अर्जेंट नीड है, तो तुम मुझे दे सकते हो एक दिन के लिए? मैं कल तक लौटा दूंगी। 20,000? मैडम इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन कुछ पैसे है बहन के फीस के लिए। तो फीस के लिए रखे थे तो कोई बात नहीं ना, फीस तो 2-4 दिन में देनी होगी। मैं एक दिन में वापस कर दूंगी पक्का। लेकिन मैडम वो ठीक है ना, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं तो रहने दो, फिर आज के बाद मुझे फोन भी मत करना। मैडम आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस आप पे विश्वास है मुझे। आपको भरोसा है तो फिर दे दो ना, मैं पक्का कल लौटा दूंगी। ठीक है मैडम दे देता हूँ मैं। चलो ठीक है फिर, बाय, लव यू। आओ बैठो बैठो। तो ले आए जो मैंने मंगाया था? हाँ जी। वाह सच में? गिन लीजिए ना एक बार।
गिनना क्या है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। यू सो मच, मैं तुम्हें कल पक्का लौटा दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। मैडम। अरे तुम यहाँ कैसे हैं, ना फोन ना कुछ, और मेरे घर में ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? मैडम आपने कहा था कि शाम तक पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी तक नहीं दिया आपने, एक हफ्ता हो गया। कौन से पैसे? जो आपने 20,000 लिए थे वो। ओह हाँ, अच्छा तुम एक काम करो, मुझे अभी 30,000 रुपए और दे दो, मैं तुम्हें एक साथ करके पूरे 50,000 लौटा दूंगी, ठीक है? 30,000? मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आपने ऑलरेडी 20,000 ले चुके, मुझे बहन का फीस भरना है। मैम प्लीज, आप प्लीज पैसे, मेरे पैसे दे दीजिए प्लीज। देखो पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, ठीक है? मुझे पैसों की जरूरत है, और तुम मुझे कहीं से भी करके पैसे दो, बात खत्म। वरना मेरे पास ना कुछ है जो मैं पूरी दुनिया को दिखा के तुम्हें बदनाम कर सकती हूँ, समझ में आई? क्या? लो देखो, खुद देख लो। प्लीज मैडम ऐसा मत करो, देखो मैं आपके पति को बता दूंगा सब कुछ। चल चल, पति की धमकी किसी और को देना, मुझे धमकी देता है? बहुत देखे तेरे जैसे, फूट ले यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। और हाँ सुन, अब से हर महीने तू मुझे 20,000 रुपए देगा, समझा? अगले महीने की 1 तारीख को मुझे 20,000 रुपए मिल जाने चाहिए, वरना तुझे पता नहीं है मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ, समझा? चल अब निकल। अंधेरी चलोगे? जी मैडम।